हेलो दोस्तों, रंग बिरंगे पक्षी देखने में कितने सुंदर दिखाई देते हैं। यह पक्षी इधर उधर उड़ते रहते हैं और हमारे मन को बहुत प्रसन्नता का अनुभव करवाते हैं। रंग बिरंगे पक्षियों में कई सारे पक्षी आते हैं जो देखने में सुंदरता का प्रतीक होते हैं, जैसे तोता, मोर, कोयल, मैना, बाज, गौरैया आदि। ये पक्षी उड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं क्योंकि इनके पास पंख होता है और ये उड़कर अपने भोजन को तलाश कर लेते हैं और इधर उधर अपने पंखों की सहायता से घूमते रहते हैं। दोस्तों, पक्षी फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास एप्स यानी पक्षी वर्ग में रखे जाते हैं और यह ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनमें आगे के पैर यानी अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके मुंह में दांत नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पर एक लंबी सी चोंच पाई जाती है जिससे वो अपना भोजन करते हैं। और यह एक ऐसे जीव होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। इनका शरीर नौकाकार होता है, यानी नाव के आकार की इनकी डिजाइनिंग होती है जिससे इनको उड़ने में बहुत ही मदद मिलती है और यह अपने नौकाकार शरीर के कारण आसानी से इधर उधर उड़ लेते हैं। दोस्तों, इन पक्षियों का शरीर चार भागों में विभाजित होता है, जिसमें पहला भाग सिर होता है, दूसरा भाग गर्दन होता है, तीसरा भाग धड़ होता है और चौथा भाग पूंछ होती है। तो दोस्तों, आपने इन पक्षियों को पानी में तैरते हुए अपने घरों में, घरों के आसपास पेड़ पौधों पर या हवा में उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा और इन पक्षियों को देख करके रोज़ आनंद की भी अनुभूति ज़रूर की होगी। दोस्तों, आपने इन पक्षियों को हवा में उड़ते समय इस बात को शायद ज़रूर गौर किया होगा कि ये पक्षी जब दूर दूर से उड़ते हुए आते हैं तो आसमान में एक विशेष प्रकार की आकृति को बनाकर उड़ते रहते हैं। यह विशेष आकृति कैसी होती है? तो आपने इस बात को गौर किया होगा कि ये पक्षी इंग्लिश के वी आकार को बनाकर हवा में उड़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पक्षी हवा में या आसमान में ये वी आकार को बनाकर ही क्यों उड़ते हैं? ये पक्षी कोई और आकार बनाकर हवा में क्यों नहीं उड़ते? तो क्या इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं कि ये पक्षी हवा में वी आकार बनाकर क्यों उड़ते हैं? और यदि नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पक्षी हवा में वी आकार को बनाकर ही आखिर क्यों उड़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पानी के जहाज़ को पानी में आगे बढ़ते हुए ज़रूर देखा होगा और यह भी देखा होगा कि जब पानी का जहाज़ आगे बढ़ता है तो उसके जस्ट पीछे वाला पानी नीचे को दबता है और उसके साइड वाला पानी ऊपर को उछलता है। और जब वो पानी नीचे को दबाता है और उसके साइड वाले पानी जब ऊपर को उछलते हैं तो इसके कारण उस जहाज को एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस कारण वह पानी का जहाज कम बल का प्रयोग करते हुए भी पानी में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सीन तब होता है जब कोई पक्षी या जहाज हवा में आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है, उसके जस्ट पीछे की हवा नीचे को दबती है और उसके साइड वाली हवा ऊपर को उठती है। यही साइड से उठती हुई हवा किसी और पक्षी के लिए एक ईंधन का काम करती है और इस तरह ऊपर उठती हवा के लालच में पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है और वी की आकृति बना लेता है और उसके पीछे वाला भी इसी प्रकार वी की आकृति बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। दरअसल, पक्षियों की ज़्यादातर ऊर्जा ऊपर बने रहने में खर्च होती है और ऊपर बने रहने के कारण ही उसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और इस वी की आकृति को बनाने के बाद जब पक्षी
वी आकृति बनाकर उड़ते हैं, तो अगले वाले पक्षी से उत्पन्न हवा से पीछे वाले पक्षी को ऊर्जा प्राप्त होती है और जिससे वो ऊपर बना रहता है और उसके पीछे आसानी से उड़ता रहता है। दोस्तों, जिस इलाके में हवा ऊपर उठ रही होती है वहाँ तो पक्षी आसानी से उड़ लेते हैं, परंतु जहाँ पर हवा ऊपर नहीं उठ रही होती है वहाँ पर पक्षियों को उड़ने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और पक्षी जब लंबी दूरी तय करते हैं तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उनमें थकान का अनुभव न हो इसके लिए पक्षी इस वी की आकृति को बनाकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आगे का पक्षी थक जाता है तो वह अपने स्थान को बदल लेता है और कोई पीछे वाला पक्षी उस आगे वाले पक्षी की जगह पर आ जाता है और फिर वी की आकृति बनाकर ये पूरी टीम उड़ती रहती है। अतः पक्षी वी आकार बनाकर कम ऊर्जा खर्च करके उड़ते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए सन 2001 में हेनरी वाइमर स्कर्च नामक वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया और उन्होंने दूर उड़ान भरने वाले पक्षियों में हर्ट रेट मॉनिटर नाम की एक मशीन फिट कर दी और उड़ान के बाद जब सभी पक्षियों के हर्ट रेट को नापा गया तो यह देखा गया कि उस वी आकृति के आगे उड़ने वाला पक्षी का हर्ट रेट तेज़ी से बीट कर रहा था, जबकि उसके पीछे वाले पक्षी का हर्ट रेट बहुत कम बीट कर रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने यह जाना कि जब पक्षियों को एक लंबी उड़ान भरनी होती है, अर्थात एक देश से दूसरे देश या एक देश में किसी एक स्थान से लंबे दूसरे स्थान तक जाना होता है, तो ये पक्षी वी आकार बनाकर ही उड़ते हैं और इस वी आकार के कारण वह अपनी ऊर्जा की खपत को कम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।